नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बघा पुलिस जिला के रामनगर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। अग्निपथ मामले में हुई तोड़फोड़ और भारत बंद व असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए रामनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सत्यनारायण राम के दिशा निर्देश व थानाध्यक्ष अनंत राम के नेतृत्व में रामनगर थाना परिसर में सरयुग सिंह सुंदर चौक, भगत सिंह चौक, हिंद चौक, अम्बेडकर चौक होते हुए रेलवे स्टेशन, गोला बाजार, हरिनगर, डैमरवा मोड़ पर फ्लैग मार्च किया गया। SI रामजन्म राम, वीरेंद्र राम, अनीश कुमार, संपत कुमार, शशिकुला कुमारी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल व महिला पुलिस बल मौजूद रहे। बेतिया बिहार से रिपोर्टर कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। अग्निपथ को लेकर के पूर्व में जो कहीं कहीं पर घटनाएं घटी है कुछ जगहों पर, इसको लेकर के अलर्ट रहने के लिए और लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए शांति व्यवस्था बनाई गई है। ये फ्लैग मार्च पहले भी निकाला गया था और आज भी फ्लैग मार्च निकाला गया है। रामपुर थाना के रामनगर थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी फोर्स मेरे नेतृत्व में रामनगर शहर में स्टेशन मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जगे और शांति व्यवस्था है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।